न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिजवान। और जैसा कि इस टाइम पे खबर निकल के आ रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा था अमित देवगन जो अपने न्यूज़ 18 में वीडियो दिखा रहे थे फ्राइडे का, जुमा का वीडियो था। और ये बताया जा रहा था कि जुमा की नमाज में पुलिस उन लोगों को मना कर रही है, नमाजियों को, और वो नमाजी जो है वो पुलिस को गाली दे रहे हैं। इसकी वजह से उनके ऊपर कहीं ना कहीं FIR हो गई है। इस तरह की न्यूज़ दिखाई जा रही थी और प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था। और ये 1 मई की बात बता रहा हूँ मैं, कि 1 मई को दिखाया जा रहा था, जिस दिन फ्राइडे था। और ये वीडियो मैं आपको असलियत में बता दूं कि ये वीडियो जो है 29 अप्रैल का है, और 29 अप्रैल को वेंसडे था, जिसका उस जुमा की नमाज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे कहीं पे भी जुमा की नमाज़ नहीं हो रही, जबकि रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग तरावी भी घर में अदा कर रहे हैं। और 5 वक्त की जो नमाज़ होती थी, अजान बस होती है मस्जिदों में, लेकिन नमाज घर में हर कोई अदा कर रहा है, रोज़ा भी घर में खोल रहा है, और फजर की नमाज़ से लेके इशा की नमाज़ तक सभी घर में अदा हो रही हैं। उसी के बाद में ये एकदम से न्यूज़ निकल के आती है कि कुर्ला मुंबई में नमाजी जो है जुमे की नमाज़ के बाद में पुलिस से बहस कर रहे हैं, पुलिस को गालियाँ दे रहे हैं। अमित देवगन अपनी न्यूज़ में इस तरह से दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये 1 मई का प्रोग्राम है इनका आर पार। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी, तो पुलिस वहां पर गई, तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्ला मुंबई की आई, आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की बड़ी तादाद है। अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, किस तरह से सीढ़ियों से लोग नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। इस समय की ये बड़ी खबर है, आपको बोलना चाहिए मुर्तजा गुंडा है, और अगर वो गुंडा है तो उसको फॉलो मत करिए। नहीं नहीं, देखिए, आप जो मुर्तजा साहब के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत गलत है। एक इलेक्टिव आदमी है, उसके मुतालिक इस जबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको लगता होगा, लेकिन देश के लिए गुंडा है। पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी हम पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायत कर चुके हैं। पुलिस जाति कर रही है, अब यहाँ किस पे जाति हो रही है? देखा हूँ ना, मुझे तो ये तस्वीरें देख के गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर किसके साथ जाति। और ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है, जो क्राउड दिखाया जा रहा है, उस पर कुछ लोगों के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी 29 अप्रैल को, तो उसमें कुछ लोगों के द्वारा दुकान को ना बंद कर किए जाने के लिए ये बहस हो रही थी, या पुलिस से कहा जा रहा था दुकान को ना बंद किए जाने के लिए। इसलिए कि आपको पता है कि बहुत सारी जगह में दुकान खोलने की परमिशन इस टाइम पे है, लेकिन रेड जोन में कहीं ना कहीं आपको दुकानें नहीं खोलनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फूड आइटम्स हैं वो आप खोल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे, इसकी वजह से बहस हो रही थी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है फ्राइडे की नमाज से, जुमा की नमाज से। और इस वीडियो को देखने के बाद में कुर्ला मुंबई पुलिस स्टेशन में ये रिक्वेस्ट की गई, ये डिमांड की गई है कि इनके ऊपर जो है IPC धारा 124, IPC धारा 129 लगाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर IPC धारा 124A लगती है तो ये गैर जमानती अपराध होता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट से ही जमानत मिलती है, और इसमें जो सज़ा का प्राविधान है, कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा उस पे, और उसके बाद में उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। और IPC 129 में आप 3 साल की सज़ा और प्लस जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। अपने चैनल में जो जो चीज़ें दिखाई हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की दिखाई जाए प्रोपोगंडा। आप उनका खुद का वीडियो देखिए, ये हिंदू वर्सेस ठोंगी, क्या टोपी पहना कर, जालीदार टोपी पहना कर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? मुसलमानों पर तो गलती मान ली, क्या हिंदू आतंकवाद पर भी सॉरी कहेंगे राहुल गांधी? जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू वोटर सबसे अहम हो गया है, क्या हिंदू वोटर पर सबकी आंखें हैं? भगवा से क्या बदले का भाग्य? हिंदू सियासत, हिंदू कोट एंड कोट, हिंदू सियासत में महाभारत, पहले हिंदू पाकिस्तान और अब हिंदू तालिबान। हिंदुत्व किसकी बकौती? हिंदुत्व प्लस दलित इज इक्वल टू, क्या हिंदुत्व करेगा सबका बेड़ा पार आजाद पार में? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखी। वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि न्यूज चैनल्स जो है केवल भड़काऊ बन चुके हैं, और इस तरह की न्यूज़ जो फैलाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों को यकीन हो जाता है, और यकीन होने के बाद में लोग कहीं ना कहीं नफरत करने लगते हैं एक दूसरे से। और उसी बीच में जब ये वीडियो शेयर होने लगते हैं और ये अफवाहें शेयर होने लगती हैं, तो जब पता चलता है कि ये फेक न्यूज़ है और उस फेक न्यूज़ को टैग कर दिया जाता है पुलिस को, तो जिसने शेयर की होती है उसके ऊपर भी एक्शन होता है। आपने देखा होगा कि कितने लोग जो है इस टाइम पे फेक न्यूज़ की वजह से पकड़े गए हैं। UP गवर्नमेंट ने 78 फेक न्यूज़ की शिनाख्त की थी,
और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी था, बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR भी हुई थी। और इसी बीच आप देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ की वजह से गल्फ में भी इस्लामोफोबिया का असर कितना ख़राब हो रहा है, लोग कितनी नौकरी अपनी गंवा रहे हैं, लोगों ने अपने लाखों डॉलर की सैलरी भी जो लगातार 20 साल से पा रहे हैं वो भी गंवा दी है, वहाँ पर जेल भी हुई है लोगों को, और ये कहीं ना कहीं इंडिया वापस भी किए जा रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है और इस तरह की न्यूज़ को अगर फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी और आपकी ज़िम्मेदारी जो है सरकार नहीं लेगी, क्योंकि आपने अगर अपराध किया है तो आपको अपराध के तहत सज़ा होगी और सज़ा के बाद ही आप वापस आएंगे। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने से पहले हमेशा जब भी कोई चीज़ शेयर करें या कोई वीडियो शेयर करें तो उसको वीडियो को वेरीफाई कर लें और आप वीडियो को जांच लें कि क्या वाकई में वो वीडियो सही है या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वीडियो से आप ये जांच नहीं कर सकते कि वीडियो आज का है या कल का है या एक साल दो पुराना है दो साल पुराना है अगर उसमें डेट नहीं लिखी है तो। और अगर आप इमेज भी कोई शेयर करते हैं उससे भी आप समझ नहीं सकते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो इमेज आज की है या एक साल पुरानी है। आप हमेशा याद रखें कि कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज पुरानी भी हो सकती है जो आज आपको दिखाई जा रही हो। इस तरह के बहुत सारे फेक न्यूज़ आती रहती हैं। मैं आपको द न्यूज़ हिंद के माध्यम से सारे फैक्ट चेक करके बताऊंगा, सारे न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन करके आप तक सच्ची खबरें पहुंचाऊंगा। तो चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दें वीडियो को और लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल है बगल में सब्सक्राइब के उसको भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।